इसी तरह जो है छठा हक उसका ये है कि अगर वो उससे मशवरा मांगे तो उसको वो मशवरा दे। और अच्छा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 55 कि दीन खैर ख्वाही है, यानी पूरा दिन खैर ख्वाही। तो जब वो तुमसे मशवरा मांगे किसी मामले के अंदर तो उसको तुम मशवरा दो। वो दीन के मामले में मांगे तो दीन के मामले, तो अगर गलत भी कर रहा था आप उसको अच्छा मशवरा देंगे, उसको नसीहत करेंगे दीन के मामले। वो दुनिया के मामले में भी सही सलाह दे जो आपसे वो मांग रहा है, वो दीन के मामले में वही चीज़ बताए जो आपको मालूम हो, बिला वजह भी ना बता दो। नहीं तो लोग बाग ये कि ज़्यादा कि चलो ये नहीं, यार ऐसा ऐसा कर सकते हैं फला फला वो, अरे वो मैंने सुना था फला उन्होंने कहा था, तहकीक के मालूम ही नहीं, गलत मसला उनको बता दिए। हाँ ऐसे भी हो जाती है नमाज, हाँ ये ऐसे भी किया जा सकता है, हाँ ये फला फला इतनी बार पढ़ लो तुम्हारा ये काम हल हो जाएगा। आपको शरी इल्म हो तो आप बताएं, बिला वजह ना बताएं, नहीं तो ये वबाले जान बनेगा। और हक में से उसके तो हक मारने में से अगर रोज़े कयामत तो अल्लाह तो आपने गैर शरी चीज़ें बताई जो साबित नहीं थी तो उस पर भी पकड़, और दूसरी के उसके हक मारा उस पर भी पकड़, डबल पकड़ हो जाएगी। तो आपको अगर मालूम है सही तो फिर सारी मालूम है उसको बताएं। और दुनियावी मामला में भी आपसे पूछे तो आप बताएं, जिस बिजनेस के आप माए आपसे पूछ रहा है यार ये बिजनेस कैसा है, और आप बड़े धड़ल्ले से कमा रहे हो उससे अच्छे खासे, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है क्या तो ये धंधा कैसा तुम्हारा, मैं भी डाल लूँ, तुमको इसका एक्सपीरियंस भी है, बता दो माल कहाँ से लाए ये वो फला। तो आदमी क्या है बच्चा ने उसको बताने का, अरे अरे बेकार है, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ उससे, आप मैं तो कब से सोच रहा हूँ उसको चेंज करो, अब तुम क्या करोगे, बेकार काम है ऐसा है, नुकसान होता फला होता है, बहुत ये रहे वो सा, आप चाह ही नहीं रहे कि वो उसके अंदर आए। अगर आपसे खैर ख्वाही मुसलमान है, खैर ख्वाही पूछ रहा है आपसे, मशवरा ले रहा है कि ये काम कर लूँ मैं, आपको बताना पड़ेगा चाहे आपका धंधा। क्योंकि पहले तो अब आदमी ये सोचता है कि मुझे नुकसान हो जाएगा इसको बता दूंगा, और पड़ोस में दुकान डाल ली, मेरी मोहल्ले में दुकान डाल ली तो आधे गिरा तो इसके पास चले जाएंगे। सूरह जुमर में अल्लाह ने फरमाया सूरह नंबर 62 आयत नंबर 11 में कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि अल्लाह बेहतरीन रोजी देने वाला है, वो बेहतरीन वो रोजी, तो उसके नसीब का होगा तो वो ले जाएगा, आपके नसीब में जो है वो खींच के नहीं ले जा सकता है, चाहे उसकी आप जैसी 10 दुकान भी लग जाए वहां। और ऐसा होता है आदमी सोचता है कि ऐसे नहीं होता, एक जगह हम खाना खाने के लिए जाया करते थे, बहुत वक्तों से जा रहे हैं 2-3 सालों से, वहाँ एक ही दुकान थी, वो दुकान बहुत सारी खाली पड़ी सब बंद, और एक एकलौती दुकान थी, तो वो बड़ा उसके अंदर वो दुखी भी रहता था क्योंकि वो खाली वीकेंड पे चलती थी यानी संडे वगैरह पे चलती थी। और एक उसके बाद में 2 साल बाद किसी ने उसके पास में एक दुकान खोलने का प्लान किया, तो वो बड़ा टेंशन में हो गया, तो बोला अरे भाईजान को दुकान खुलने वाली मेरे पास में और मेरे जिस, तो मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ा खुलने दो, अरे पहले ही तो गिरा की नहीं है और खुद तो और मसला हो जाएगा ये, अरे मैंने कहा ऐसा नहीं होता, जितने लोग बढ़ते हैं और होता ये है जितनी दुकान बढ़ेगी एक जैसी बढ़ेगी उतना ज़्यादा वहाँ पर गिराकी आएगी और इतने कस्टमर ज़्यादा आएंगे। लेकिन वो बहुत परेशान रहा वो, उसके बाद वो दुकान खुल गई, फिर जैसे ही वो खुली तो एक और हो गई, उसके बाद में 4 हो गई, 5 हो गई, आज ये है कि वहाँ आलम की जितनी दुकान थी सब खुल गई, सब खाने की दुकान थी, वो खाने की दुकान थी। और अब मैंने उससे जाकर पूछा, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया सारी दुकान चल रही, मैंने क्या अब क्या हुआ गिरा, अरे अब तो इतना शानदार हो गया है कि पहले जैसे, क्योंकि पहले उसकी एक दिन चलती थी संडे को और आज उसकी रोज़ चलती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि वो फूड जोन बन गया पूरा, और जब जिसको भी खाना होता है तो वो कि खाना खाना है तो बोले नाश्ता करना है बोले वहाँ पर जाओ, तो पूरी सारे के सारे लोग वहाँ पर आने लगे, तो उसकी दुकान पहले से 10 गुना ज़्यादा चली। तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरा खोल लेगा तो आपकी बंद हो जाएगी, देखिए अल्लाह इतने सारे जराए निकालता है। तो खैर ख्वाही करे और किसी का किस्मत का जो लिखा हुआ है वो दूसरा नहीं ले जा सकता है। तो इस मामले में जो है हमको रहनुमाई उसकी करना है, क्योंकि हक में से तो हक वो मशवरा हमसे मांगता है, चाहे पढ़ाई का मसला कि एक वालदेन आपसे पूछ रहे हैं कि यार मेरे बच्चे को एडमिट करवाए, एडमिशन करवाना है कौन से कॉलेज में कराएं, अब आप उसका बाप दे रहे हैं ये तो ये बच्चा बड़ा होशियार है पढ़ने में, मेरे बच्चे की क्लास में जाएगा तो उसकी रैंक नीचे हो जाएगी, तो उसको दूसरा रही यार वो तो बेकार मैंने कराया मज़ा नहीं आया, टीचर ये है फला है कोर्स अच्छा नहीं, वहाँ डाल दो उसको, ये आपने गलत मशवरा दिया। आप तो ये सब जो भी किसी भी मामले के अंदर आपसे खैर ख्वाही का मसला तलब करे तो आप उसको जो है हक बात बताएं जो है, क्योंकि दीन खैर ख्वाही का नाम है।